हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं आप सभी को एक बार फिर से वेलकम करता हूँ हमारे इस सेशन में, जहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आगे के पार्ट का। अभी तक हमने लगभग 675 नंबर तक के जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे वो देख लिए थे। इसमें अब हम आगे बढ़ेंगे, 676 की तरफ आएंगे। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, और दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाई मी, माई नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए शुरू करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है टू मूव बैक एंड फोर्थ और साइडवेज। तो देखिए, अगर आपने देखा होगा, आपसे एक बात कही जाती है कि आप घूमते रहें इधर उधर, ठीक है, या फिर आप किसी के आसपास मतलब आर पार हो जाएं, तो उसको लेकर ना एक वर्ड यूज़ किया जाता है, ट्रैवर्स। ट्रैवर्स का अर्थ होता है व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अक्रॉस और यू आर ट्रैवलिंग थ्रू, यानी कि आप अक्रॉस यानी कि आसपास घूम रहे हैं या फिर आर पार होकर घूम रहे हैं, तो उसको लेकर जो वर्ड यूज़ किया जाता है ना, वो किया जाता है ट्रैवर्स। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, सोजर्न। ये भी जो शब्द है ना, मतलब ये वन वर्ड, ये भी आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। सोजर्न का अर्थ होता है जब आप कहीं पर टेम्प्ररीली जाकर रुकते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। हिंदी में हम आपका बोल सकते हैं कि ये आपका अस्थाई निवास है। आप कहीं पर पहुँचे, थोड़ी देर के लिए रुके और आप वहाँ से निकल लिए, तो उसको लेकर जो वन वर्ड हम यूज़ करेंगे ना, वो करेंगे सोजर्न। नेक्स्ट देखिए, आपको एक शब्द दिया गया, टेरियंस। टेरियंस का अर्थ होता है, अगर मान लीजिए कि आप किसी चीज़ को कर रहे हैं और आप किसी चीज़ के बीच में हैं और आपको वैसा करने में डिले हो, तो मतलब ये जो विलंब की बात मैंने आपसे करी, उसको मैं इस वर्ड से आपका डिनोट कर देता हूँ, जिसको मैं आपसे कहता हूँ टेरियंस। नेक्स्ट शब्द है आपके सामने, ब्रीदर। ब्रीदर का अर्थ क्या होता है, जब आप किसी जगह पर एक छोटा सा विश्राम ले लेते हैं या विराम ले लेते हैं। इंग्लिश में मैं बोल सकता हूँ कि अ ब्रीफ पॉज फॉर रेस्ट। तो अगर रेस्ट के लिए आपने कहीं पर जाकर पॉज लिया है, तो उसको लेकर जो हम वन वर्ड यूज़ करेंगे वो हो जाएगा आपका ब्रीदर। नेक्स्ट है आपका, द रिमेन्स ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन बैडली डैमेज्ड। तो देखिए, आप मान लीजिए कि कोई चीज़ है, उसको बहुत बुरे तरीके से उसका खात्मा किया गया, तो उसके जो रिमेन्स बचते हैं, यानी कि जो उसके अवशेष बचते हैं, उनको हम कौन सा वन वर्ड यूज़ करके बुलाते हैं। तो देखिए, द रिमेन्स ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन बैडली डैमेज्ड या फिर डिस्ट्रॉयड, इसको लेकर एक हिंदी में आपने शब्द सुना होगा, ध्वंसास अवशेष, यानी कि विध्वंस होने के बाद जो अवशेष बचे उसको हम ध्वंसावशेष बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रैकेज। जैसे कि आपने बहुत से स्टेटमेंट सुने होंगे कि भाई कोई प्लेन क्रैश हो गया, अब उस प्लेन के क्रैश होने के बाद वाला जो मलबा है, जो सामान है, यानी कि जो पूरा विनाश होने के बाद जो अवशेष बचे हैं, उसको आप रैकेज यहाँ पर बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, प्रिस्टीन। प्रिस्टीन का अर्थ होता है किसी चीज़ का मौलिक होना, मौलिक यानी कि क्लीन एंड फ्रेश, जैसे कि वो एकदम नया हो, तो उसको लेकर जो आप वन वर्ड यूज़ करेंगे ना, वो करेंगे प्रिस्टीन। उसके बाद आपको यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, इमैक्यूलेट। इमैक्यूलेट होता है जिसे आप बेदाग बोलें, निर्मल बोलें, समथिंग विच इज़ परफेक्टली क्लीन, नीट या फिर टाइडी, उसको आप क्या वन वर्ड यूज़ करेंगे, उसके लिए आप वन वर्ड यूज़ करेंगे इमैक्यूलेट। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पर एक शब्द दिया गया, स्टेराइल। स्टेराइल का अर्थ होता है जैसे कि कोई ऐसी चीज़ या फिर कोई ऐसी जगह जो कि अनुपजाऊ हो, वहाँ पर कोई चीज़ उग नहीं सकती, कोई जगह या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि प्रोड्यूस नहीं कर सकती, या तो वो फ्रूट हो, सीड्स हो, क्रॉप्स हो, तो ऐसी चीज़ को लेकर जो आप वन वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो करते हैं स्टेराइल, यानी कि अनुपजाऊ। तो यहाँ पर आपका ये इसका अर्थ होगा। आगे है आपका, इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस। तो देखिए, आपने मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि आप किसी चीज़ से इरिटेट हो रहे हैं, और उस इरिटेट होने से आपके अंदर वो अनकन्वीनियंट वाली जो भावना है, परेशानी जो आपको झेलनी पड़ रही है, उसको लेकर आपको यहाँ पर अपना वो वन वर्ड बताना है। तो देखिए, एक शब्द आपको यहाँ पर दिया गया है,
हैसल। हैसल कहीं ना कहीं वही चीज़ आपको बताता है, आपकी परेशानी, आपकी तकलीफ, जो कि एक इरिटेटिंग वाले वे में होती है। तो इसको लेकर यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका हैसल। उसके बाद देखिए, आपको एक यहाँ पर शब्द दिया गया है, ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का अर्थ होता है किसी का बहुत ज़्यादा काम होना, द क्वालिटी ऑफ बीइंग काम। अगर आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जहाँ पर आप अपने आप को शांत रख पाएँ, तो आपको वहाँ पर बोला जाएगा दैट यू आर अ वेरी ट्रैंक्विलिटी, यू नो, एबिलिटी वाला पर्सन। तो ट्रैंक्विलिटी यानी कि आपकी जो क्वालिटी है वो शांत वाली है, तो आपको यहाँ पर ट्रैंक्विल बोला जाएगा। नेक्स्ट है हारमनी। हारमनी क्या होता है? किसी से तालमेल आपका बैठना। जैसे कि अब मैं ये बोलूँ कि द क्वालिटी ऑफ फॉर्मिंग अ प्लीजिंग एंड कंसिस्टेंट होल, मतलब आपका किसी से तालमेल बैठना, आप जो करना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, सामने वाला भी उस चीज़ को समझता है, और इसी को हम तालमेल बोलते हैं। तो ये आपका हारमनी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए शब्द यहाँ पर दिया गया, रैक्टिट्यूड। रैक्टिट्यूड क्या होता है? किसी का सत्यपरायण होना, यानी कि मोरली करेक्ट बिहेवियर और थिंकिंग। तो इसको आप क्या बोलते हैं? किसी का सत्यपरायण होना, यानी कि उसका मोरली करेक्ट बिहेवियर होना। तो ये आपका रैक्टिट्यूड हो जाएगा। नेक्स्ट है अ पनिशमेंट इम्पोज्ड फॉर ब्रेकिंग अ लॉ, रूल और कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने क्या तोड़ा है, लॉ तोड़ा है या फिर रूल तोड़ा है या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट को अगर ब्रेक किया है, तो इस चीज़ को लेकर एक चीज़ इम्पोज़ करी जाती है पनिशमेंट के रूप में। वो आपको यहाँ पर बताना है कि वो क्या होता है। तो इसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पर नहीं पहचान पाएगा। ये होता है आपका पेनल्टी। पेनल्टी यानी कि किसी के ऊपर सज़ा या दंड। किसके लिए? कि उसने कोई ब्रेक किया हो लो रूल या फिर कोई लॉ। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, रिप्राइव। रिप्रीव का अर्थ अपने आप में होता है जैसे कि आप किसी को छूट दे दें, ठीक है, आप किसी की पनिशमेंट में छूट दे दें, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रीव बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रेस। ग्रेस का देखिए आपको अर्थ पता होगा, ये आपका रियायत होता है, जैसे कि एक ऐसी कंडीशन या फिर कोई ऐसा फैक्ट जहाँ पर फेवर किया जाता है किसी को, ठीक है, तो उसको हम ग्रेस बोलते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यानी कि भगवान के आशीर्वाद से या भगवान की सपोर्ट से, तो हम वहाँ पर ग्रेस यूज़ करते हैं। एमनेस्टी क्या होता है? एमनेस्टी होता है किसी के अपराध को लेकर अगर हम उसको क्षमा दे दें, ठीक है, तो अपराध क्षमा के लिए हम वन वर्ड यूज़ करते हैं क्या? एमनेस्टी, यानी कि एक ऑफिशियल पार्डन फॉर पीपल हु हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंसेस। तो किसी ने कोई मुद्दे और हरकतें करी और उन सभी चीज़ों को लेकर उसको वहाँ पर अपराधी बताया गया, लेकिन जब उसको हम क्षमा कर देंगे उसके उस अपराध के लिए, तो हम वहाँ पर वो यूज़ करेंगे एमनेस्टी। नेक्स्ट है एज अपोज्ड टू रियलिटी इमेजिन्ड नॉट रियल। तो देखिए, एक तरीके से आप ये समझिए कि मैं बात कर रहा हूँ किसी का मनगढ़ंत होता, मतलब कोई चीज़ सच्चाई भरी नहीं है, बस इमेजिन वाले हरकतों से वो सामने निकल कर आई है। तो एक वर्ड यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, फिक्शीशियस। फिक्शीशियस का अर्थ होता है कि इमेजिन करा जाता है उस रियलिटी को, मतलब मनगढ़ंत। आई होप आप सभी को समझ में आता होगा। तो मनगढ़ंत का ही अर्थ आपको यहाँ पर बताना था, जो कि आपको थर्ड ऑप्शन फिक्शीशियस देगा। नेक्स्ट है आपको देखिए वर्ड यहाँ पर दिया गया, एन्यूआई। एन्यूई का अर्थ अपने आप में होता है जैसे कि किसी के अंदर उबासी होना। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे उदासी आ रही है, मतलब आई विल बी फीलिंग एन्यूई, ओके, उब रहा हूँ मैं। यू आर हैविंग फीलिंग ऑफ बींग बोर्ड एंड नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज नथिंग इंटरेस्टिंग इज हैपनिंग। तो वहाँ पर आपको क्या होगा? इन्यूआई होगा। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पर एक शब्द दिया गया, हेयरटिक। हेयरटिक का अर्थ क्या होता है? जो धर्म के विरोधी होता है। अ पर्सन हु इज़ गिल्टी ऑफ डिसरिगार्डिंग स्ट्रांगली विद वॉट मोस्ट पीपल बिलीव, मतलब बहुत से लोग जिस चीज़ को बिलीव करते हैं, अब उसको अगर कोई स्ट्रांगली डिसएग्री करेगा, तो उसको लेकर आपका शब्द यहाँ पर हेयरटिक यूज़ होगा। नेक्स्ट है देखिए, आपको यहाँ पर दिया गया, इंडिक्ट। इंडिक्ट होता है मतलब किसी पर दोष लगाना, मतलब व्हेन यू आर ऑफिशियली चार्जिंग समवन विद अ क्राइम, दैट मीन्स यू आर इंडिक्टिंग दैट वन, ठीक है, मतलब आप उसके ऊपर दोष लगा रहे हैं। नेक्स्ट है टू मूव अलोंग विद क्विक शॉर्ट ट्विस्टिंग्स। तो देखिए, अगर आप टेढ़ मेढ़े चलते हैं,
तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो स्टेटमेंट आपको दिया कि किसी का टेढ़े मेढ़े चलना, तो टेढ़े मेढ़े को लेकर जो यहाँ पर चलने की बात होती है उसको लेकर वन वर्ड यूज़ किया जाता है रिगल। रिगल यानी कि टू मूव बाई ट्विस्टिंग एंड टर्निंग योर बॉडी और पार्ट ऑफ इट, टेढ़े मेढ़े चलना। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक शब्द आपको दिया गया है, क्या है शब्द? लिम्प। लिम्प होता है लंगड़ाना। मान लीजिए कि आपके पैर में चोट लग गई है तो आप क्या कर रहे हैं? लिम्पिंग कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दी इंजरी यू आर लिम्पिंग, मतलब लंगड़ा कर चल रहे हैं। व्हेन यू आर वॉकिंग स्लोली और विद डिफ़िकल्टी बिकॉज वन लेग इज़ इंजर्ड, दैट मीन्स यू आर लिम्पिंग। नेक्स्ट है देखिए, आपको एक शब्द दिया गया यहाँ पर स्ट्रोल। स्ट्रोल का अर्थ होता है चहलकदमी करना, मतलब आप रिलैक्स्ड वे में धीरे धीरे वॉक कर रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं? स्ट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्ट्राइड करना। स्ट्राइड क्या होता है? जब आप लंबे लंबे कदम भरते हैं, मतलब व्हेन यू आर वॉकिंग विद लॉन्ग स्टेप्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो लंबे लंबे डग भरना यानी कि स्ट्राइड करना, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है पुट ऑफ फॉर अ फ्यूचर टाइम। तो पुट ऑफ फॉर अ फ्यूचर टाइम मतलब किसी चीज़ को टाल देना, मतलब फ्यूचर यानी कि भविष्य पर छोड़ देना कि आगे कर लेंगे ना। तो अगर हम किसी चीज़ को टालते हैं तो उसको लेकर देखिए यहाँ पर ये शब्द दिया गया है प्रोक्रेस्टिनेट। आपने मोटिवेशनल स्पीकर की जो स्पीचेस होती हैं उसमें बहुत सुना होगा कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन ना करें, प्रोक्रेस्टिनेशन करने से हमारी जो एबिलिटी है वो कम होती है। तो प्रोक्रेस्टिनेट का अर्थ क्या होता है? पुट ऑफ फॉर अ नीट अ टाइम, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोडिफाई। कोडिफाई का अर्थ होता है जब आप लॉज को अरेंज करते हैं या फिर रूल्स को अरेंज करते हैं किसी सिस्टम में, तो उसको हम कोडिफाई बोलते हैं। जैसे कि आप अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं तो आप कोडिंग करते हैं, कोडिफाई करते हैं। कोडिफाई करने का अर्थ क्या होता है? आप कोडिंग करते हैं तो वो कोड क्या करेंगे? वो कोड वहाँ पर सिस्टम के अंदर जाके एक प्रॉपरली वे में अपने रूल्स बनाएंगे। रूल्स का मतलब जो आपने वहाँ पर अपनी तरफ से इनपुट कोडिंग में डाला है वो उस तरीके से काम करेंगे। तो कोडिफाई करने का मतलब लॉज को अरेंज करना या रूल्स को अरेंज करना किसी सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट एक शब्द आपको यहाँ पर दिया गया, रेटिसेंट, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि कम बोलने वाला हो, यानी कि अ पर्सन हु इज़ अनविलिंगली अनविलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स, मतलब वो बता ही नहीं रहा है, बताना चाहता ही नहीं है, तो उसको मैं बोलूँगा रेटिसेंट। नेक्स्ट है रिटेलिएट। रिटेलिएट का आपको पता है, रिटेलिएट का अर्थ होता है बदला लेना। व्हेन यू आर डूइंग समथिंग हार्मफुल टू समबडी बिकॉज दे हैव हार्म्ड यू फर्स्ट, तो आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं? रिटेलिएट कर रहे हैं। किसी ने आपके साथ पहले बुरा किया, अब आप उनसे बदला लेने के लिए उनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप रिटेलिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट है ग्रेडी फॉर मनी। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा लालची हो, तो लालची को लेकर जो यहाँ पर एक शब्द यूज़ किया गया है ना, वो किया गया है रेपेशियस। रेपेशियस का अर्थ लालची होना, व्हेन समवन इज़ वांटिंग मोर मनी और गुड्स देन ही नीड टू हैव, तो वहाँ पर हम वर्ड वर्ड यूज़ करते हैं रेपेशियस, लालची होना। नेक्स्ट है अग्नोस्टिक। अग्नोस्टिक का अर्थ क्या होता है? एक अनिश्वरवादी हम इसे बोल सकते हैं, यानी कि अ पर्सन हु बिलीव्स दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट। तो कोई व्यक्ति अगर इस तरीके की भावना रखता है, ये बिलीव करता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि भगवान है या नहीं है, इसके बारे में पता लगाया जा सके, तो उसको हम बोलते हैं एग्नोस्टिक। उसके बाद देखिए, एक शब्द आपको यहाँ पर दिया गया है ऑब्लेशन। ऑब्लेशन का अर्थ होता है जब हम कोई आहुति देते हैं, मतलब कोई बलिदान या आहुति देते हैं, तो उसको हम ऑब्लेशन बोलते हैं। अ थिंग प्रेजेंटेड और ऑफर्ड टू गॉड, तो भगवान को अगर कोई ऑफर दिया जाए, या तो वो आहुति हो या फिर वो आपका बलिदान हो, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्लेशन। नेक्स्ट है सेलिबेसी। सेलिबेसी होता है किसी का ब्रह्मचर्य का पालन करना, मतलब एक ऐसा व्यक्ति या फिर किसी व्यक्ति की एक ऐसी स्टेट जहाँ पर वो ना शादी करना चाहता है और ना ही किसी भी सेक्सुअली रिलेशन में किसी के साथ आना चाहता है। लेकिन रीजंस क्या होंगे? रीजंस होंगे उसके रिलीजियस रीजंस होंगे, मतलब
भगवान में इस तरीके से विश्वास होना कि वो अब किसी मोह माया में पड़ेगा नहीं, सेक्सुअली रिलेशंस में आएगा नहीं, कभी शादी करेगा नहीं, मतलब वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। तो उसको लेकर ही हम ये वर्ड यूज़ करते हैं सेलिबेसी। नेक्स्ट है स्पीक इन अ वेरी लो टोन। मान लीजिए कि मैं आपका दोस्त हूँ, मुझे कुछ जोक दिमाग में आया और मैंने आपके कान में उसको विस्पर कर दिया। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आपको विस्पर। विस्पर का अर्थ होता है कान में बोलना या फिर बहुत ही धीरे से बोलना। तो अगर मैं विस्पर कर रहा हूँ यानी कि मैं बहुत कम और हल्की टोन में उसे बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका मरमर। मरमर होता है बुदबुदाना, यानी कि व्हेन यू आर सेइंग समथिंग इन अ सॉफ्ट वॉइस जिसे आप सुन ही ना पाए या फिर समझ ही ना पाए, तो उसको लेकर हम वन वर्ड यूज़ करते हैं मरमर। नेक्स्ट है बैस। बैस का अर्थ होता है एक लोवेस्ट टोन या फिर म्यूज़िक का एक ऐसा पार्ट जहाँ पर टोन जो है ना वो बहुत कम लेवल पे होती है, उसको हम बैस बोलते हैं। नेक्स्ट है बैरिटोन। बैरिटोन होता है मध्यम सुर वाला वाद्य, यानी कि एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो कि सेकंड लोएस्ट होता है पिच में अपनी फैमिली में, तो इसको हम बैरिटोन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका सर्च फॉर समथिंग, यानी कि अगर आपको किसी चीज़ की खोज हो, आपको किसी चीज़ को पाने की लालसा हो और आप उसे ढूंढें बहुत तेज़ी से बहुत अच्छे से, तो उसको हम वन वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्वेस्ट। तो किसी को खोजना, यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग, और इस तरीके से आप समझें कि वो बहुत ही मुश्किल है उसे पाना, तो उसको लेकर हम शब्द यूज़ करते हैं क्वेस्ट। नेक्स्ट है चम। देखिए चम मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, एक वेब सीरीज़ है जिसका नाम है दी टिक। तो उसमें वो उसका दोस्त होता है, तो वो अपने दोस्त को क्या बुलाता है, चम बुलाता है, यानी कि वो उसको अब फ्रेंड के रूप में वहाँ पर बोलता है। नेक्स्ट है शब्द आपका यहाँ पर हर्ल। हल हो रहा है किसी चीज़ को ज़ोर से फेंकना। मान लीजिए कि आपका मेरे पास मोबाइल है, मुझे आप पर गुस्सा आया और मैंने उसे एकदम ऐसे थ्रो करके बहुत दूर फेंक दिया। अब आप मेरी तरफ़ देख रहे हैं और आप मुझसे कहते हैं वाई डिड यू हर्ल माई फ़ोन, यानी कि आपने मेरा फ़ोन क्यों फेंका। तो व्हेन यू आर थ्रोइंग समथिंग समबडी वायलेंटली इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वहाँ पर आप बात करते हैं हल की। उसके बाद देखिए आपको एक शब्द दिया गया है सोलमनाइज। सोलमनाइज का अर्थ होता है किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा विधि पूर्वक करना, बहुत ही रिलीजियस सेरेमनी की बात करें कि वो परफॉर्म हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं विवाह को बहुत ही विधि पूर्वक करूँ तो मैं बोलूँगा कि मैंने इसे बहुत ही ज़्यादा सोलमनाइज वे में कराया है, तो वहाँ पर मेरा सोलमनाइज यूज़ होगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाई पीपल ऑफ हाइएस्ट सोशल क्लास। तो देखिए जब किसी आप ऐसे मान लीजिए कि आप ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं हाईएस्ट सोशल क्लास के व्यक्तियों को सरकार चलाते हुए देखते हैं, तो उसको लेकर जो शब्द यूज़ किया जाता है ना वो किया जाता है अरिस्टोक्रेसी, यानी कि समाज के एक बड़े दर्जे के जो लोग हैं वो सरकार चला रहे हैं, तो वहाँ पर हम वन वर्ड यूज़ करते हैं अरिस्टोक्रेसी। देखिए ब्यूरोक्रेसी के बारे में तो आप सभी को पता होगा, ब्यूरोक्रेसी होता है आपका अधिकारी वर्ग, यानी कि अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल्स रादर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो अधिकारी वर्ग यहाँ पर हम बोलेंगे ब्यूरोक्रेसी को। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एक शब्द दिया गया है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी होता है जो आपके समाज के वेल्दी लोग होते हैं, धनवान व्यक्ति होते हैं, अगर वो गवर्नमेंट को चलाएं तो वहाँ पर जो वन वर्ड यूज़ किया जाता है वो किया जाता है प्लूटोक्रेसी का। नेक्स्ट है टू बैनिश और टर्न आउट ऑफ सोसाइटी एंड फेलोशिप। तो देखिए अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले या फिर कोई ऐसी चीज़ दिखे जिसे आप कहीं से निष्कासित कर दें, निकाल दें, या तो सोसाइटी हो या फिर उसको आप अपने बंधन से निकाल दें, तो आपने क्या किया, उसे निष्कासित किया। अब निष्कासित के लिए जो वन वर्ड यूज़ किया जाता है ना वो किया जाता है आपका ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज यानी कि किसी को निष्कासित करना, एक्सक्लूड करना सोसाइटी या फिर ग्रुप से। उसके बाद एक शब्द आपको यहाँ पर दिया गया है एक्रोबैट। एक्रोबैट होता है कलाबाज होना, एक एंटरटेनर
जो कि परफॉर्म करता है स्पेक्टेकुलर जिमनास्टिक फीट्स, उसको हम बोलते हैं कलाबाज। और कलाबाज का अर्थ जो होता है वो होता है एक्रोबैट। नेक्स्ट शब्द है आपके सामने डायट्राइब। डायट्राइब का होता है अर्थ जैसे कि मैं मान लूँ कि एक फोर्सफुल या फिर एक बिटर वर्बल अटैक अगेंस्ट समवन और समथिंग, मतलब मेरे और आपके बीच में बहस हो गई। बहस ऐसी हुई कि बहुत ही ज़्यादा वर्बली बिटर हो, मतलब कठोर हो। आप मुझे कुछ कहें, मैं कुछ आपको कहूँ, तो वहाँ पर जो हम वन वर्ड यूज़ करेंगे वो करेंगे डायट्राइब। और इसका जो अर्थ होता है इंग्लिश में वो क्या होता है, मतलब हिंदी में कठोर समालोचना करना। नेक्स्ट है, देखिए वन वर्ड आपको यहाँ पर दिया गया जूरिस्ट। जूरिस्ट का अर्थ होता है कोई कानूनी विद होना, एक एक्सपर्ट जिसको लॉ की जानकारी हो, या फिर एक राइटर जिसको लॉ की जानकारी हो, उसको हम जूरिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका रिबेलियस और अपोजिंग दी अथॉरिटी। तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कहीं पर विद्रोह कर देते हैं, बागी हो जाते हैं। तो विद्रोही और बागी का जो अर्थ यहाँ पर निम्नलिखित ऑप्शन में से आपको मिलेगा वो मिलेगा इंसर्जेंट से, यानी कि एक रिबेल या फिर एक रिवोल्यूशनरी जिसको हम हिंदी में बागी या फिर विद्रोही बोलेंगे, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक शब्द दिया गया है इंट्रांसिजेंट। इनट्रांजिजेंट का अर्थ होता है व्हेन यू आर अनविलिंग और रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस व्यूज। तो आप एक तरीके से ऐसे मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा कट्टर हैं और सिद्धांतों पर रहते हैं, तो आप क्या हैं, इनट्रांजिजेंट हैं। नेक्स्ट है इंडिजिनस। इंडिजिनस का अर्थ होता है कहीं का मूल निवासी होना, नेटिव होना, ओरिजिनेट होना या फिर अकर होना किसी नेचुरल और पर्टिकुलर प्लेस में। तो आपको मैं वहाँ का देसी व्यक्ति बोल दूंगा या फिर मैं मूल निवासी बोल दूंगा, तो वो आपका इंडिजिनस हो जाता है। इनेंडो, इनेंडो का तो देखिए हमने पहले भी अर्थ पता पढ़ा था, ये किसी चीज़ का संकेत होता है, एक ऐसा एल्यूजिव या फिर ऑब्लिक रिमार्क होता है, एक हिंट होता है जिसे आप किसी को सजेस्टिव वे में यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका इनेंडो। नेक्स्ट है वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज़। तो बहुत से लोग होते हैं ना जो कहानी वगैरह बताने में बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं, मज़ेदार मज़ेदार कहानियाँ सुनाते हैं, तो उसको लेकर एक वर्ड यूज़ किया जाता है रिकॉन्टियर। रिकॉन्टियर का अर्थ होता है मज़ेदार कहानियाँ सुनाने वाला, अ पर्सन हु इज़ गुड एट टेलिंग स्टोरीज़ इन एन इंटरेस्टिंग एंड अम्यूजिंग वे, तो उसको हम बोलेंगे रिकॉन्टियर। नेक्स्ट है वर्ड दिया गया आपको यहाँ पर वेंट्रल। वेंट्रल होता है कि मतलब आप ऐसे मान लीजिए समथिंग विच इज़ कनेक्टेड विद दी पार्ट ऑफ अ फिश और एनिमल दैट इज़ अंडरनीथ दैट इन ह्यूमंस, ठीक है, तो यहाँ पर उसको हम वेंट्रल बोलते हैं। फैनेटिक क्या हो जाएगा, फैनेटिक होता है किसी का कट्टरपंथी होना, अ पर्सन हु इज़ एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग। तो कोई अगर कट्टरपंथी है उसको हम बोल देंगे फैनेटिक। उसके बाद है आपका टायरो। टायरो का अर्थ क्या होता है, नौसिखिया, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, यानी कि अ पर्सन हु हैज़ लिटल और नो एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग और इज़ बीइंग टू लर्न समथिंग, तो उसको हम बोल देंगे नौसिखिया यानी कि टायरो। नेक्स्ट है आपका फियर ऑफ फायर। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जब आपको मतलब फायर से बहुत ज़्यादा फोबिया हो जाए यानी कि भय हो जाए, तो उसको लेकर जो वर्ड यूज़ करते हैं ना वो करते हैं आर्सन फेबिया। आर्सन फोबिया यानी कि अगजनी से भय, यानी कि आग से भय। नेक्स्ट है आपको दिया गया एस्ट्राफोबिया। एस्ट्राफोबिया होता है जैसे जो आकाश में बिजली वगैरह कड़कती है ना, तो उससे डरते हैं लोग कुछ, तो उसको बोलते हैं एस्ट्राफोबिया। नेक्स्ट दिया गया है आपका एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया होता है जो सितारे या ग्रह होते हैं ना उनसे कुछ लोग डरते हैं कि वो मेरे ऊपर आकर ना गिर जाएं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं इस तरीके के। तो फियर ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और अदर सराउंडिंग इट, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट है आपको दिया गया अरहेनोफोबिया। अरहेनोफोबिया का अर्थ होता है व्हेन यू आर फियर ऑफ मैन यानी कि मेल्स। तो अगर आदमी या फिर पुरुष से डर है तो वहाँ पर वर्ड यूज़ किया जाएगा अरहेनोफोबिया। नेक्स्ट है एक्सेसिवली लेंथी स्पीच। तो अगर देखिए कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी स्पीच दे और जहाँ पर जो शब्द हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाएं, तो उसको लेकर एक शब्द यहाँ पर आपको दिया गया है वर्बेज।
वर्बीएज का अर्थ होता है द यूज ऑफ टू मैनी या फिर मोर डिफिकल्ट वर्ड्स जो कि चाहिए थे आपको, जिनकी ज़रूरत थी, जहाँ पर आप एक्सप्रेशन कर रहे हैं अपने किसी आइडिया का। तो अगर आप शब्द का बाहुल्य की बात करते हैं तो वहाँ पर जो शब्द यूज़ होता है वो होता है आपका वर्बीएज। नेक्स्ट देखिए, आपको दिया गया कंसिशन। कंसिशन का अर्थ होता है किसी चीज़ की संक्षिप्तता होना, यानी कि द क्वालिटी ऑफ गिविंग ओनली द इंफॉर्मेशन दैट इज़ नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट यूजिंग फ्यू वर्ड्स। तो कम शब्दों में अपनी बातें कह दी, अगर किसी को कुछ चाहिए तो उसको वो प्रोवाइड करा दिया, तो उसको हम बोलते हैं कंसिशन। नेक्स्ट है कर्ट। कर्ट का अर्थ होता है व्हेन यू आर अपीयरिंग रूड बिकॉज वेरी फ्यू वर्ड्स आर यूज्ड। तो मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि आपका जो आपकी जो रूडनेस है वो इसलिए आई है निकल के क्योंकि आपने कम शब्द यूज़ किए हैं, तो उसको हम कर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकेंड। सेकेंड का अर्थ होता है किसी का इस तरीके से एक्सप्रेशन देना, व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग क्लियरली एंड इन फ्यू वर्ड्स, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंड। नेक्स्ट है एन ऑर्नामेंटेड स्टाफ कैरीड बाई रूलर्स ऑन सेरिमोनियल ओकेजंस एज द सिंबल ऑफ सोवरेनिटी। तो देखिए, आपने एक डेकोरेटेड रॉड देखी होगी जो कि किंग और क्वीन कैरी करते हैं, तो इसको हम रामदंड का भी नाम देते हैं। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, ये जो वर्ड यहाँ पर दिया गया ना इसकी स्पेलिंग भी याद रखेंगे, स्कैप्टर, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको दिया गया स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल आपका क्या होता है, तमाशा होता है, तो ये आपका करियर हो गया। रिसेप्टिकल आपका क्या होता है, किसी का डिब्बा होना। समीर यानी कि जफर आपका समीर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको दिया गया सब्सटेंस इजीली इवेपोरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो कोई जो सब्सटेंस है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर इवेपोरेट कर जाए तो उसको लेकर आपको वन वर्ड यूज़ करना होगा, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल यानी कि परिवर्तनशील होना, समथिंग विच इज़ चेंजिंग ईजिली फ्रॉम वन मूड टू अनदर, मतलब आप वहाँ पर परिवर्तनशील हैं, वॉलेटाइल हैं। स्ट्रीट फास्ट। स्ट्रीट फास्ट होता है जन यू आर नॉट चेंजिंग इन योर एबिलिटीज़ और एम्स, अटल हम इसे बोल सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। एंड्यूरिंग क्या होता है, एंड्यूरिंग होता है आपका लास्टिंग करना बहुत लंबे टाइम तक, तो आपका एंड्यूरिंग हो जाएगा। वन हु स्टडीज़ ह्यूमन एंटिकिटीज़, यानी कि अगर मैं बात करूं कि कोई पुरातत्व विद्वान है, पुरातत्व विज्ञान का अध्ययन करने वाला है, तो उसको लेकर जो वन वर्ड यूज़ किया जाता है वो किया जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका आर्कियोलॉजिस्ट होगा। उसके बाद दिया गया है आपका एपोलॉजिस्ट। एपोलॉजिस्ट का अर्थ होता है समर्थक होना। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये होता है आपका मानव विज्ञानी। एंटोमोलॉजिस्ट, ये होता है आपका कीट विज्ञानी। किलर ऑफ प्रॉफिट। तो देखिए, प्रॉफिट के किलर को, हत्यारे को क्या बोलते हैं हम, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसे बोला जाता है वेटिसाइड। ठीक है, वेटिसाइड इसे बोला जाता है। मैट्रिसाइड किसे बोला जाता है, जब आप माता जी की, अपनी मम्मी जी की हत्या करते हैं। पैट्रिसाइड जो पिता की हत्या करते हैं। सोरोसाइड जो कि बहन या फिर भाई की हत्या कर दे, उसको हम सोरोसाइड बोलते हैं। अ गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास। तो जब ऐसी गवर्नमेंट की बात करते हैं जहाँ पर सैन्य शासन होता है, तो उसको बोला जाता है स्ट्रेटोक्रेसी, यानी कि सैन्य शासन। नेक्स्ट है देखिए, आपको दिया गया यहाँ पर क्या, क्रेटोक्रेसी। क्रेटोक्रेसी का अर्थ क्या होता है, ये होता है शक्ति तंत्र, यानी कि गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय सीजर यूटिलाइजिंग फोर्स टू डिसीट विद द रूल मेंटेन्ड बाय स्ट्रेंथ, ये हो गया। आगे है ऑब्सेशन विद वाइन। तो वाइन का ऑब्सेशन आपको क्या बताता है, कौन सा शब्द बताता है, ये बताता है ऑइनोमैनिया। ऑइनोमैनिया यानी कि वाइन का आपको यहाँ पर ऑब्सेशन है। लास्ट परफॉर्मेंस, किसी व्यक्ति की आखिरी परफॉर्मेंस को आप बोलते हैं स्वाइन सॉन्ग। ईटिंग मर्ड। ईटिंग मर्ड का जो वर्ड निकलता है ना, वो निकलता है आपका लिमोवोरस। लिमोवोरस यानी कि पंखहारी, पंखाहीरा। ठीक है, लव ऑफ डॉग्स, तो कुत्तों से प्यार करने वाले वर्ड के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, कैनोफीलिया। तो ये था हमारा एक और पार्ट। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर PDF आपको मिलती रहेंगी।
डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर यूज़ कर लीजिए। और अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो robin.bsr ये कोड आपको यूज़ करना है। अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।